लोगों ने, सभी लोगों ने कल ये देखा कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने माँ के आंचल में अभी छुटकारा नहीं पाए हैं। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को भाषण सुना लाल किले के उस पर, तब उनको ये लगता है कि हमें भी बिना लिखित मतलब जो भी हमारे दिमाग में वो पढ़ें, लेकिन उनको ये लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी भी माँ बहन जो हैं वो अपने माँ बहन की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, और जो लोग सुरक्षा का दायित्व भी निभा रहे हैं उनको ये कहते हैं कि जब भी ये जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग मंदिरों में जाते हैं वही मंदिरों पर छेड़खानी करते हैं। हमें ये ऐसा लगता है कि क्या राहुल गांधी जब ईसाई मशीनरीज में जाते हैं, जिस लड़की के साथ जाते हैं, कनाडा में रहते हैं, उसको सुरक्षा दे पा रहे हैं? जो उनकी बहन जो है वो अपनी सुरक्षा दे पा रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भारत का संस्कृति और संविधान में विश्वास नहीं है। यद हम लोग का नारा है कि यत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता, हम लोग राखी भले बंधवाते हैं बहनों से, लेकिन हम लोग पुरुषों से को भी राखी बांधते हैं। तो हमारा संविधान तो ये कहता है कि जो भी कमजोर है, आज हमने उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया था उसको ताप के द्वारा, उनका जो कुछ भी गड़बड़ हो गया है उसको थोड़ा गर्मी दे करके, अग्नि प्रज्वलित करके उनका दिमाग शुद्धिकरण हेतु हम लोगों ने पुतला जलाया। राहुल गांधी सर करो, वापस जाओ।